नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और आपको बता दें कि आज जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये है गांव जमाल के सरकारी स्कूल की, जो कि अब सरकारी स्कूल है वो थोड़ा बड़ा हुआ है और बड़े का मतलब है कि मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है। इस मौके पर आपको बता दें कि अब सीधा बच्चे हैं जो भिवानी बोर्ड, जो हरियाणा बोर्ड शिक्षा का था, एजुकेशन बोर्ड था, उससे हटकर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करेंगे। जमाल गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको अपग्रेड किया गया है, एक तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल बनाया गया है। हमारे साथ जो यहां प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं और गांव के सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, वो जुड़ेंगे। वो क्या कुछ कहते हैं, कैसे सारा ये काम संभव हुआ, वो तमाम जानकारियां हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। जो शिक्षा विभाग द्वारा लिस्ट जारी की गई है उसमें हमारे विद्यालय को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है इस विद्यालय को, और इससे बड़ी प्रसन्नता है हमारे गांव के लोगों को, गांव के विद्यार्थियों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी और सीबीएसई से सीधा हमारा विद्यालय अब जुड़ जाएगा, और आसपास के गांव के विद्यार्थियों को भी बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि आसपास के गांव में कहीं इंग्लिश मीडियम का सरकारी विद्यालय है नहीं, तो इससे गांव के विद्यार्थियों को बहुत लाभ है। इसमें गांव के पंचायत द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया और विद्यालय के समस्त अध्यापक, हमारे पास काबिल अध्यापक है जो कि मॉडल संस्कृति विद्यालय के लायक है, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि पढ़ाई पहले से भी बेहतरीन हो जाएगी इससे सीबीएसई से जुड़ने के कारण। पहले भी इस तरह के कुछ स्कूल हुए हैं इस तरह के? हाँ जी, अपने चोपता विद्यालय इस ब्लॉक में, वो मॉडल संस्कृति विद्यालय सिरसा के लगभग सात, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के सात विद्यालय पहले से ही मॉडल संस्कृति है, लेकिन इस लिस्ट में 67 विद्यालय जो है वो मॉडल संस्कृति बनाए गए, जिसमें सिरसा में हमारा पहला विद्यालय, एक विद्यालय ही बना इस बार। स्कूल की तरफ से कोई स्पेशल डिमांड की गई थी या कोई मांग आई थी जिस तरह मॉडल? हाँ, इस विद्यालय को इससे पहले जो है, जो हमारे विद्यालय की तरफ से ही ये भेजा गया था कि इस विद्यालय को मॉडल संस्कृति का दर्जा दिया जाए, हमसे पहले जो यहाँ इस विद्यालय के प्रभारी थे उन्होंने ये मांग की थी, और ग्राम पंचायत की तरफ से भी इसमें सहयोग किया गया था। इसके बाद मेरे आने के बाद यहाँ से दो बार हमने पत्र व्यवहार किया, जिसका वहाँ से अब ये प्रतिफलित हुआ है। देखिए, अब तो 9th और 11th के जो आगे एडमिशन होंगे अगले सेशन से, तब से ये शुरू। 365 विद्यार्थी हैं हमारे विद्यालय में, और एक्चुअल तो मैं आपको अभी करीब, क्योंकि नाम वगैरह भी कट जाते हैं, कुछ SLC ले जाते हैं, तो पूछना सुन लगभग आसपास के आज जो भी गांव है, भूपड़ा, ब्रासरी, हाँ आसपास के गांव के, जिन्होंने साइंस की बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करनी होती है वो इस विद्यालय में अवश्य आते हैं। हमारे पास आर्ट्स के भी बेहतरीन शिक्षक हैं और साइंस के तो बहुत ही बेहतरीन अध्यापक है, आर्ट्स में भी सबसे बेहतरीन अध्यापक, और इस विद्यालय की ये खासियत है कि यहाँ का पूरा माहौल जो है वो शिक्षा के लायक है। स्टाफ लगभग 20 स्टाफ है हमारे पास, और एक 21 वो जो है वो डेपुटेशन पे, 21 है। सब क्या कुछ कहना है आपके स्कूल को जो है वो मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है सरकार की तरफ से? आज तो बहुत ही खुशी का माहौल है गांव में, पूरे में और पूरे एरिया के अंदर ही खुशी का माहौल है कि हमारा
गांव है जो कि आज मॉडल संस्कृति स्कूल की तरफ बढ़ा रहा है और पूरे स्टाफ को, हरियाणा सरकार को, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला को और पत्रकार साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा गांव है जो तरक्की पर है। इससे बच्चे इंग्लिश भी सीखेंगे और बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहेगा और हमारे गांव तरक्की करेगा। शिक्षा को लेकर के और क्या प्रयास अगर पंचायत स्तर पर देखा जाए तो क्या कुछ किए जा रहे हैं? शिक्षा को लेकर के सुदेश जी, जैसे कि कोई जैसी भी हमारी सहायता होगी हम शिक्षा के बारे में देने को तैयार हैं। हम हर हफ्ते 10 दिन से स्कूलों के अंदर आते हैं, संभाल करते हैं। स्टाफ भी हमारा बहुत अच्छा है और स्टाफ के लेवल से हमारे यहाँ पर मेरिट भी बहुत आती है गांव में। तो हमारा गांव पिछड़ा था और अब गांव तरक्की की ओर है। मॉडल स्कूल को लेकर के पंचायत स्तर पर क्या प्रयास किए गए? जब लेटर सरकारी स्कूल के अंदर या स्कूल के अंदर आया तो उसके बाद पंचायत स्तर पर आपने क्या प्रयास किए? पंचायत स्तर पर हमने जहाँ भी जाना था वहीं गए और हमारी कोशिश कामयाब रही और हमने स्कूल हासिल कर लिया। शायद सिरसा जिला का एक स्कूल है जो मॉडल संस्कृति स्कूल गांव जमाल है। क्या कुछ कहना है आपके गांव के स्कूल को जो है ये अपग्रेड होकर ये इंग्लिश मीडियम का बनने जा रहा है? बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया। मैं तो स्कूल से बचपन से पढ़ा हूँ, आज बड़ी खुशी की बात है। और जैसे हमारे गांव के बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, तो बढ़िया शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों के खर्चे ज्यादा हैं, गरीब बच्चे उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है, गांव को एक बड़ी सौगात मिली है, आने वाली पीढ़ी है उसको एक बड़ा आधार मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे? श्रेय है जो पहले तो अध्यापक जाए जी जो पढ़ाई करे और जितनी मेहनत करे अनुसार सरकार तो बाद में आवाई वो संस्कृत मॉडल स्कूल बनना बच्चों पर सीखने के लिए आगे जाने के लिए बहुत फर्क पड़ेगा। सर आपका स्कूल स्टाफ है उसको बड़ी बधाई मिल रही है और बड़ी अचीवमेंट पाई है, एकमात्र सिरसा जिला का जो नाम आया है जमाल गांव का। जी बिल्कुल। क्या कुछ प्रक्रियाएं रही, क्या कुछ कहेंगे आप? जी सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप हमारे विद्यालय परिवार में इस बात की जानकारी लेने के लिए आए हैं। और दूसरा मैं सबसे पहले इसकी बधाई हमारे विद्यालय परिवार में हमेशा से कार्य करते रहे, जैसे पिछले 5 सालों से मैं यहाँ हूँ, जिन जिन साथियों ने भी इस कार्य में अपनी आहुति डाली है वो शुभकामनाओं के पात्र हैं। साथ में हमारे प्रभारी जो हमें लीड करते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि अगर हमारा विद्यालय किसी नए काम में आगे आ सके। जनरली हम देखते हैं कि भाई हम किसी काम से बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये नया काम हमें नहीं करना, लेकिन हमारे विद्यालय परिवार की जो टीम है वो ये कोशिश करती है कि अगर कुछ नया मिल सकता है विद्यालय को जिसमें बच्चों का भला हो तो वो अच्छी बात है। अब बात रही ऑफिशियली तो कई सालों से ये प्रयास चल रहे हैं, ये पहला विद्यालय नहीं है, ये लगभग शायद 8वां विद्यालय सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बना है। पहले से 7 विद्यालय शायद पिछली लिस्ट में नामांकित हो चुके हैं, लेकिन इस लिस्ट में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जमाल विद्यालय जो है वो बना है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखिए वैसे तो सभी बोर्ड इक्वली वैलिड हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हमारी कार्य प्रणाली बढ़िया थी, लेकिन CBSE का काम करने का तरीका थोड़ा सा इससे अलग है। जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने भी बताया था कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। हमारे समाज में भी लोग सोचते हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो ये सपना गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो भी पूरा कर पाएंगे। दूसरा मुझे ये लगता है पर्सनली, ऑफिशियल जानकारी तो अभी आनी बाकी है, समय के साथ आएगी, लेकिन हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश कर रही है तो मॉडल स्कूलों में जिस प्रकार से इनका नाम मॉडल है तो इनके कार्यप्रणाली भी रोल मॉडल का काम करेगी। जहां भी लैबोरेटरीज की जरूरत होगी, हालांकि हमारा जो विद्यालय है ऑलरेडी लगभग सभी इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहा है, सभी प्रकार की लैबोरेटरीज हैं, बट हो सकता है कुछ नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें नई चीजें डालने के प्रयास हैं, वोकेशनल एजुकेशन डालने के प्रयास हैं, तो कई प्रकार की लैबोरेटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और डेवलपमेंट हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसा नाम इस विद्यालय को दिया गया है वैसा ही काम आगे आने वाले सालों में ये विद्यालय करेगा। थैंक यू। और क्या कुछ कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का विद्यालय प्रांगण में इस शुभ अवसर पर आप पहुंचे हैं उसमें हम विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी खुशी में शामिल होने के लिए और उसको उसमें बाकी लोगों को शामिल करने के लिए आप लोग आए हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों के लिए काम हुआ है। स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या जो अपनी शिक्षा को एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रथम हमने कदम उठाया। विद्यालय के स्तर पे भी काफी प्रयास हुए, पंचायत के स्तर पे भी काफी प्रयास हुए और जनप्रतिनिधि के स्तर पे भी काफी प्रयास हुए। हमने बार बार कोशिश करी, बार बार पत्र भेजे, विद्यालय की तरफ से भेजे गए, हम लोगों से मिले, सरपंच से मिले, सरपंच आगे मिले, यानी हमने इसको एक उद्देश्य बना करके और इसको करना चाहा और हो गया। और होने का अब आप देखें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है, सीबीएसई से सीधा जुड़ा हुआ स्कूल है, हमारे आसपास जो प्राइवेट स्कूल भी हैं जो हमारे जमाल गांव में है तो वो सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूल है नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा मामला ये आया कि आप सीबीएसई से सीधे जुड़ गए। अब जब बच्चे सीबीएसई से जुड़े हैं तो उनका उस तरह का सोचने का तरीका वैसा होगा, सीबीएसई की परीक्षाओं का एक स्तर होता है वैसा होगा, फिर सरकार का ध्यान भी उसी तरह का होगा, विभाग भी उसी तरह से ध्यान देगा, क्योंकि नाम में ही है ना सर कि मॉडल स्कूल। हमने इसको एक मॉडल स्कूल बनाया है, मॉडल का मतलब ही हमने एक ये स्कूल और स्कूलों से अलग होगा। तो आप सबकी शुभकामना रहेंगी, गांव वालों का सहयोग आप देख ही रहे हैं। हमने जब ये कोशिश की तो ये हमें कह भी सकते थे कि सर हमारा है जो ठीक है, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ करके किया तो ये दिखा रहा है कि सहयोग गांव का पूरा मिल रहा है और इससे बच्चों को निश्चित तौर पे फायदा होगा। और जब हमारी अगली मुलाकात होगी, जब ये बन जाएगा और नया सत्र जब शुरू होगा, तो आप परिवर्तन यहाँ पे देखेंगे। बढ़िया हो, थैंक यू। ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये स्कूल प्रिंसिपल थे, यहाँ अध्यापक थे, गांव के सरपंच थे और गांव के लोग थे, जिन्होंने बताया कि अब जमाल गांव के बच्चे हैं जो इस स्कूल में पहले भी पढ़े हैं, आगे पढ़े हैं, यहाँ पहले से अगर आपको बताएं तो साइंस से भी पढ़ाई करवाई जाती है, मेडिकल नॉन मेडिकल के काफी विद्यार्थी हैं जो स्कूल के प्रांगण में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब अगला जो पढ़ाव आया है उसमें सीबीएसई बोर्ड से स्कूल जुड़ेगा, मॉडल संस्कृति स्कूल इसका नाम होगा। और ये तमाम तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं जमाल गांव से। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।